ये देखिएगा, आज मैं ये डोरमेट सिखाऊंगी। ये पुरानी चुन्नियों साड़ियों फाड़ के मैंने बनाया है इसको। ये बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं इसको, और इसको चलिए आइए हम सिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आज ये मैं नई डिज़ाइन का डोरमेट सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 13 फिंदर डाले हुए हैं। ये देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे हम। ये सिलाई हमारी इसी तरह से हम ले जाएंगे। 6 फिंदे हमें सिर्फ बिनना है। ये देखिएगा हमने 6 फिंदे बिन लिए हैं। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे इस तरह से। ये भी देखना, जाली हम इसी तरह से डालेंगे। ये देखिएगा ये जाली पड़ गई है। अब मुझे उल्टा करना है। बाकी फिंदे हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसमें मैं 2 कलर का बनाऊंगी, एक ब्लू और एक पीला कलर। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही जाएगी, जिस तरह से हमने वो जाली डाली हुई है, तो जाली को भी बुनना है। इसी तरह से हम चच्चा सिलाई निकालेंगे, 4 इसकी सिलाई निकालेंगे ब्लू कलर की, और 4 निकालेंगे पीले कलर की। ये देखिएगा मैंने कलर चेंज कर लिया है। ये उल्टी सिलाई में हमें कलर चेंज करना होता है। ये भी सिलाई मैं इसी तरह से ले जाऊंगी। ये देखिएगा एक बार और देख लीजिएगा किस तरह से ये जाली बनेगी। ये देखिएगा यहाँ पे जाली बन रही है, तो हमें यहाँ का सीधा फिंदा बनना है इस तरह से, और इधर से ये इस तरह से। इसी तरह से हमारे फिंदे बढ़ते जाएंगे। हमें 40 फिंदे बढ़ाने हैं, और चच्चा सिलाई हर कलर की निकालनी है। ब्लू की हम 5 लाइनें डालेंगे, और पीले की 4 लाइनें डालेंगे, और ऊपर जाके हम उतार देंगे। इस तरह से हमें 2 पल्ले बनाने हैं, एक ये बनना है, एक और बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से बनेगा, ये वाली इस तरह से डिजाइन आएगी। ये देखिएगा इसके आसपास हमें लगाने के लिए ये 3 फिंदे डाले हुए हैं। इसमें हम एक एक फिंदा साइड साइड से बढ़ाएंगे। एक सिलाई निकालने के बाद ये देखिएगा हम एक फिंदा इस तरह से बढ़ाएंगे। इधर भी इसी तरह से हम बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई पे साइड साइड का फिंदा बिन लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम 10 फिंदे बढ़ा लेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। ये एक बार और देख लीजिएगा, इसको मैंने बिन लिया, और इस तरह से अंटा लगा के इसको इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से अंटा लगेगा, और साइड साइड से हमारी जाली बनती जाएगी। ये देखिएगा हमने 10 फिंदे बढ़ा लिए हैं। 10 के बाद देखना हमें सीधी सिलाई से 2 का एक करना है इस तरह से। दोनों साइड से जिस तरह से हमने बढ़ाए हुए हैं, उसी तरह से हमें घटाना है। ये फीस हम 2 बनाएंगे। ये देखिएगा 2 का एक, और जब 3 फिंदे रह जाते हैं तो हम उतार देंगे तीनों को एक साथ।
ये इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 20 फिंदों का बनाया है और वो हमने 10 फिंदों का बताया है आपको। ये इस तरह से बनेगा। ये पीस दो बनाने हैं, ये देखिएगा। और हमें डिजाइन लगानी है तो हम तीन तरह से इसमें डिजाइन लगाएंगे। दो डिजाइन मेरी बन चुकी हैं और तीसरी ये मैं बता रही हूँ। इसमें मैंने 12 फिंदे डाले हुए हैं। अब देखिएगा ये किस तरह से हम बनाएंगे। ये देखें, हम यहीं से दो फिंदे हम इसके बना लेंगे इस तरह से। बाकी फिंदे हम इस तरह से बनाएंगे रेड कलर के, और दो फिंदे हम नीचे से बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। ये देखें, दो फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं और बाकी फिंदे सीधी सिलाई पे जो जहाँ फिंदे जिस कलर से बुने हुए हैं उसी कलर से हम बनाएंगे। देखिए क्या, एक फिंदा मैंने उतार लिया, साइड का मैं उतारती हूँ जो चैन बनती जाए, और दो फिंदे फिर रेड हम बुन लेंगे इस तरह से। तो बाकी फिंदे हम रेड से बुनेंगे, तो दो फिंदे हम नीचे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे इस तरह से। ये सीधी सिलाई है, सीधे में जो जहाँ फिंदा है उसी को हम बनाएंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ये देखें, ये जो हमने उतरे हुए फिंदे हैं वो हमें रेड से पूरी सिलाई इसी तरह से निकालनी है। ये देखिएगा, हमने सिलाई निकाल ली हो और हाफ कली मेरी ये बन के तैयार हो गई है। अब ये देखिएगा ऊपर की साइड पे हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिएगा, अब ऊपर वाली कली बना रहे हैं तो दो दो फिंदे इसमें भी बगैर बुने हुए छोड़ना है इस तरह से। इसको सीधा इस तरह से बुन लेंगे। ये इसी तरह से ऊपर तक आ जाएंगे। ये फिर दो छोड़ दिए हैं और ये दो इस तरह से बुन लिए हैं। अब देखिएगा ब्लू से हम चार फिंदे बुन लेंगे और रेड के ये ब्लू वाले फिंदे हम रेड से दो फिंदे इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से। और दो दो फिंदे फिर मैं छोड़ने लगूंगी यहाँ से बगैर बुने हुए। ये देखिएगा, दो छोड़ दिए हैं इसी तरह से। हम ऊपर तक कली ये आ जाएगी तब हम आपको ये देखेंगे। अब कलर चेंज करेंगे। ये देखिएगा, हाफ हाफ कली बनके तैयार हो गई हैं और अब हम कलर चेंज कर रहे हैं। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से निकालेंगे पीले पीले की।
ये देखिएगा आप जिस तरह से हमने नीचे बनाया था उसी तरह से ये भी कली बनानी है। ये देखिएगा पीले के हमने दो नीले कर लिए हैं, बाकी फिंदे हम पीले से बनेंगे और दो दो करके हम यहाँ से छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये इसी तरह से हम हाफ कली वो हाफ डोरमेट बना के तैयार कर लेंगे। इसमें दो दो कलियाँ बनाएंगे, दो इस पीले की बनाएंगे और दो रेड की बनाएंगे। ये इसी तरह से हम ये देखिए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा दो फिंदे हमने छोड़ दिए हैं। ये देखिएगा इस तरह से हम कली बनाएंगे। इसको ये हाफ हो गई है, ये दो दो कलर हमने लगाए हैं और इसी तरह से हमें चार ये बनाने हैं। ये देखिएगा ये दो बन चुके हैं, इस तरह से जुड़ेंगे। ये भी दो हमने बनाए हैं तो ये इस तरह से हम लगाएंगे इस तरह से, और ये हमने चार जो बनाए हैं तो हम इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से ये डोरमेट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा इसको मैं पहले जोड़ूंगी। ये कोना और ये कोना दोनों मिला के इस तरह से हम इसको सिल देंगे। ये देखिएगा ये हमने सीधा रखा हुआ है इसको इस तरह से करके, और यहाँ से मैं इसको भी इसी कोने से सिल दूँगी। देखिएगा हमने आसपास सिल लिया है इसके, ये इसी तरह से कंप्लीट हो गया है।